نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers आपके फेवरेट रूहानी चैनल शऊर इन्फो से मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है संग दिल महबूब के दिल में अपनी शदीद मोहब्बत पैदा करने का ताकतवर अमल। अगर आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं और उससे इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो आप ये अमल कीजिए, या अगर आप में इतनी कुव्वत जुर्रत नहीं है कि आप इजहार मोहब्बत कर सकें और आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब खुद आपसे इजहार मोहब्बत करे तो भी ये अमल बेहतरीन नतायज देता है। नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाने के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए या किसी दुश्मन को मेहरबान करने के लिए ये एक अक्सर अमल है। अगर आप अपने लिए ये जायज़ मकासद हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक या सलामु या सलामु या सलामु 690 मरतबा पढ़िए, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ और किसी मीठी खाने पीने वाली चीज़ पर दम करके एक दफ़ा उस शख्स को खिला या पिला दें जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। अगर ये मुमकिन ना हो तो ये चीज़ यानी 690 मरतबा पढ़कर आप किसी मीठी चीज़ पर दम करें और वो मीठी चीज़ आप चींटियों या परिंदों को खिला दें, अल्लाह आप पर अपना करम और फजल फरमा देगा। ये अमल करने के लिए कोई स्पेशल मखसूस टाइम नहीं है, ये अमल दिन रात के किसी भी वक्त में किया जा सकता है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम और फजल फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।